हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, और क्या महत्वपूर्ण है इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा बिना स्किप किए। तो चलिए विषय बताते हैं किस विषय पे आज का वीडियो है। तो आज का विषय है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किन लोगों को पैसे वापस करना है, सरकार किन लोगों से पैसे रिकवर करने वाली है, और क्या कुछ जो सही किसान है, नेचुरल किसान है, जो ओरिजिनल किसान है, उन्हें क्या करना है, और जो नेचुरल नहीं है, जो फर्जी तरीका से ले रहे थे, उन्हें क्या करना है, पैसा किसे वापस करना है, किसे नहीं करना, ये सारा कुछ इस वीडियो में आज हम सीखेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भारत सरकार का ये नया नोटिफिकेशन आया है कि आठवीं किस्त पाने से पहले सभी किसानों का भौतिक सत्यापन होगा, यानी कि घर घर आकर जो किसान सलाहकार है या जो भी सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट जिसे नियुक्त करेगी उसको आकर किसान का सत्यापन करना है। भौतिक सत्यापन यानी कि जो किसान है वो रियल हैं, कौन रियल है कौन नहीं है, और कौन किसान फर्जी तरीके से ले रहा है, तो किसे पैसे वापस करना है, किसे से सरकार रिकवर करेगी पैसे। तो चलिए सबसे पहले जो ओरिजिनल किसान है, जो सचमुच जिनका अपना ज़मीन है या और खेती करते हैं, और वो किसान सम्मान निधि का पैसा जो चार चार महीने पे 2000 रुपया, 6000 सालाना जिनको मिल रहा है, वो किसान जो नेचुरल हैं उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो अब नेचुरल हैं लेकिन ज़मीन उनके नाम पे नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन और पैसा उनको नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन आ गया है फॉर्म में कि जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके नाम से ज़मीन होना ज़रूरी है। जैसे पहले जो बाप दादा के नाम से करवा लिए पहले, क्योंकि पहले का जो फॉर्म था उसमें ऑप्शन था कि आप वंशावली बनवा के, LPC बनवा के आप ले सकते हैं लाभ, लेकिन अब वो ऑप्शन हटा दिया गया है। तो अब का जो ऑप्शन है वो ये है कि आप के नाम पे ही होना चाहिए ज़मीन का पेपर। तो ये नोटिफिकेशन आया है और जिनसे रिकवरी किया जाना है पैसा वैसे लोग हैं जो या तो 10,000 का सरकारी पेंशन पाते हैं या फिर आयकर रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, या सरकारी जॉब में हैं, ऐसे लोगों से सरकार पैसा जो दी है 7 किस्त, अगर किसी को कम भी मिला हो तो जो भी मिला हो, जो मिला है वो वापस लेगी, और ये प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जो नेचुरल हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनके नाम पे ज़मीन नहीं है तो पैसे तो उनसे वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगली किस्त उन्हें तब मिलेगा जब वो अपने नाम पे ज़मीन को करवा कर और उसका मेंशन करवाएंगे, यानी कि सत्यापन करवाएंगे, और ये प्रूफ देंगे कि हाँ मेरा भी ज़मीन है और पहले बाप दादे के नाम से था लेकिन अब अपना ज़मीन अपने नाम पे हो गया है, उन्हें ही अब ये लाभ मिलेगा। और ये डरने की ज़रूरत नहीं है, सबसे मुख्य सवाल इसमें ये है कि किससे रिकवरी करना है और किसको अगली किस्त नहीं मिलना है। तो जो फर्जी तरीके से ले रहे थे उससे सरकार पैसे रिकवरी करेगी, लेकिन जो
नेचुरल किसान हैं उनको अगली किस्त तब मिलेगी जब भौतिक सत्यापन होगा, और ये उस भौतिक सत्यापन में ये प्रूफ होगा कि ज़मीन उसके नाम से है। अगर नहीं है तो फिर अगली किस्त नहीं मिलने वाला है। सबसे मुख्य बात इसमें यही है। और आप एक चीज़ और इसमें सीखेंगे, लाभार्थी का सूची कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ से आपको जो ऑप्शन आ रहा है इनसे बताते हैं। ये PM Kisan.gov.in पे अगर आप लॉगिन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। इसके बाद ये लाभार्थी सूची, इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है, तो आप जिस स्टेट से हैं। इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं। इसके बाद ये सब डिस्ट्रिक्ट यानी आपका प्रखंड। इसके बाद फिर से एक बार प्रखंड ब्लॉक। इसके बाद आपको यहाँ पे आता है विलेज का ऑप्शन। तो जैसे ही आप विलेज का ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे हम अपना विलेज का देखिए, इसके बाद गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो गेट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो नाम है वो टोटल नाम आ चुका है, और आप अपना नाम देख सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड पेज यानी दो पेज में नाम है तो दूसरा पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ 97 नाम आ चुका है। तो इस तरह से आप अपना लिस्ट निकाल सकते हैं, और आप ये पता भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपके गांव का लिस्ट आ जाता है तो आप ये देख पाएंगे कि इसमें से जो टैक्स भरने वाला इंसान कौन है, इसके बाद नौकरी वाला कौन है, ये नाम देखकर ही आप पता लगा सकते हैं। तो ये तरीका है, और इस तरीके से आप ये समझ जाएंगे कि किसका पैसा गांव में, आपके कस्बे में, आपके खेड़े में किसका पैसा रिकवरी करने वाला है सरकार, ये नाम देखकर ही आप पता लगा लेंगे। तो इस तरह से आप लिस्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना ये वेबसाइट खोलना होगा क्रोम ब्राउज़र में जाकर। इसके बाद स्टेट का चूज करने का ऑप्शन आएगा, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक प्रखंड और इसके बाद गांव। इसके बाद सभी गांव में जो भी लिस्ट है वो टोटल लिस्ट निकल कर आपके सामने आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।